ओके एवरीवन, आर वी कनेक्टेड? पर चेक कर लेते हैं, वी आर कनेक्टेड इन द लाइव सेशन. वेलकम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 25 आईआईटी जैम. अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं अन अकेडमी पे आईआईटी जैम फिजिक्स, सीएसआर नेट फिजिक्स, गेट फिजिक्स पढ़ाता हूँ. ठीक है, तो बात करेंगे यार आज की क्लास में हम क्या कर रहे होंगे. ठीक है, आज की क्लास जो है मैथमेटिकल फिजिक्स को डेडिकेटेड है, मैथमेटिकल फिजिक्स को डेडिकेटेड है. यहाँ पर आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से भी कर रहे होंगे आज हम यहाँ पर. ठीक तो मेनली 2024 से 2016 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर कर रहे हैं. जो बच्चे आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, जेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, टीआईएफआर की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, या नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं. ये कॉमन क्लास है सभी के लिए, बिकॉज यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल रही होगी. ठीक है, लेट मी चेक, वी आर कनेक्टेड लाइव विद दिस सेशन एंड देन वी कैन क्विकली बिगिन विद द सेशन. यार आप लोग एक बार कॉमेंट्स करके जवाब दे सकते हैं जितने भी लाइव एंड रिकॉर्डेड देख रहे हैं यार. गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है, लेट अस क्विकली बिगिन विद द क्लास यार. ओके, एक साल में ये सब मेरी क्लासेस रहती हैं अनअकैडमी पे. डिटेल कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज, प्रैक्टिस कोर्सेज, पीवाईक्यू कोर्सेज, वीकली संडे टेस्ट, मोगा मेगा मॉक टेस्ट, एसेट्रा एसेट्रा. यानी कि बोले तो यार प्रिपरेशन का कंप्लीट पैकेज रहता है. ठीक है, डिटेल क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, सब कुछ रहता है. तो आप लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को पता ही है. ठीक है, इस तरीके से हमारे 23 के टॉपर्स रहे थे, 24 के भी बहुत बम्पर टॉपर्स रहे हैं. इस तरीके से आप सेशंस भी देख सकते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल है, जाके आप देखिए, फायदा उठाइए, प्रिपरेशन को अपनी और स्ट्रांग बनाइए. ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे भाई. एवरीवन, लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर वन. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वन, प्लीज हैव अ लुक. द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस एट गिवन पॉइंट इज. मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन है वेक्टर चैप्टर से. ठीक है, ट्राई करिए, आपके पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए. एवरीवन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. प्लीज ट्राई करिए, 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए. जितने भी लाइव एंड रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हैं कि ऐसे सेशन और आपके लिए लेके आने हैं. बताइए एवरीवन, क्या आ रहा है इसका. दो मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए. आई होप आप कर रहे होंगे. एवरीवन देखो, देखेंगे सॉल्यूशन. आपको दे रखा है सर एक्स वाई जेड एक सरफेस दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि एट पॉइंट 1, 2, 4 हमारा जो टेंजेंट प्लेन है वो क्या आएगा. ठीक है, देखेंगे जरा यार. फाइव दे रखा है आपको एक्स वाई जेड. सर टेंजेंट प्लेन कैसे निकालते हैं. देखो, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होता है कि नॉर्मल डॉट टेंजेंट जो है जीरो आता है. तो जो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आ जाता है वो क्या आ जाता है सर, एक्स नॉट माइनस एक्स डी फाइव बाय डी एक्स, वाई नॉट माइनस वाई डी फाइव बाय डी वाई, जेड नॉट माइनस जेड डी फाइव बाय डी जेड इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, डी फाइव बाय डी एक्स क्या आ जाएगा वाई जेड, डी फाइव बाई डी वाई क्या आ जाएगा एक्स जेड, डी फाइव बाई डी जेड क्या आ जाएगा एक्स वाई. नाउ पुटिंग अप द वैल्यू, 1, 2, 4 दे रखा है, तो आप पॉइंट की वैल्यू डालेंगे 1 माइनस एक्स, और ये क्या आ रहा है सर हमारा वाई जेड, और पॉइंट की वैल्यू डालेंगे यहां पर, पी पॉइंट की वैल्यू डालेंगे अभी 2 माइनस वाई, दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स जेड, पॉइंट की वैल्यू डालेंगे 4 माइनस जेड, दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स वाई, पॉइंट की वैल्यू डालेंगे 0.
फिर बताएंगे फटाफट से सॉल्व करके क्या आ रहा है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, जितने भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो अलग से कमेंट करके बताएंगे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ रहा था। ठीक है, क्या आ जाएगा, पॉइंट पी पे वैल्यू डालेंगे बाय 1, पॉइंट पी क्या है सर, 1, 2, 4, पुटिंग अप द वैल्यू 1 माइनस ax 2 into 4, 2 माइनस y 1 into 4, ठीक है, और 4 माइनस z 1 into 2 आ जाएगा सर 8 माइनस 8x, ओपन कर रहा हूं मैं सीधे सीधे, 4 2 8 माइनस 4y, दिस इज 4 2 8 माइनस 2z इज इक्वल टू 0, सो 8x + 4y + 2z इज इक्वल टू 8 + 8 + 8 24, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन 4x + 2y + z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन कौन सा चेक कर रहे हैं, 4x + 2y + z इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आ रहा। ठीक है एवरीवन, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बेहतरीन, वी आर डन विद दिस क्लास एवरीवन, आई मीन विद दिस क्वेश्चन, गुड इनफ। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, बताएंगे क्या आ रहा है इसका आंसर। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो कमेंट में, रिकॉर्डेड कमेंट में, जैसे भी आप पूछना चाहें, जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है या किसी भी करियर से रिलेटेड डाउट, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ देना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम, प्लीज लेट मी नो क्या आंसर आ रहा है एवरीवन नंबर 28 का। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज ट्राई करेंगे। ठीक है जी, आंसर कर दिया आपने, वेरी गुड। आपको देखो क्या क्या दे रखा है सर, फाइव दे रखा है, आपको नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड। तो आप कह सकते हो सर फाइव इज गिवन टू बी x + y + z, ठीक है, -5 ऐसे कर सकते हैं आप, इधर ले आते हैं इसको, ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर क्या होता है सर, नॉर्मल वेक्टर इज ग्रेडियंट ऑफ फाइव, ग्रेडियंट करेंगे, एक्स से करेंगे 1 i कैप यानी कि आई कैप, वाई से करेंगे 1 j कैप 1, ठीक है, तो यही आ रहा है हमारा नॉर्मल वेक्टर डाइवर्जेंस करने के। सही भाई, ऑप्शन सी आ रहा है सबका, विशाल, अनामिका, रविंद्र, शिल्पा, एनीबडी एल्स यू कैन कमेंट मी, लेट मी नो, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई बाकी जनों का क्या आ रहा है एक बार, लाइव जितने भी बच्चे हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड कमेंट करके जरूर बताएंगे। रजनीश, ओके, वेरी गुड एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आ रहा है आपका, इसका तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना, नंबर 29 क्या कहता है बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव 2 मिनट्स, टाइम स्टार्ट नाउ। करिए एवरीवन, 2 मिनट में दे रहा हूं आपको, अच्छे से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन करवाते हैं इसका।
चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा अच्छे से यार। एक बार जरा देखेंगे बोर्ड पे कैसे कर सकते हैं। ए आपको दे रखा है एक वेक्टर, आपको ए डीएल निकालना है अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर बाउंडेड बाय दिस। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। रेक्टेंगल, किस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में रेक्टेंगल है। आप देखो एक कोऑर्डिनेट इसका एक्स जीरो है, एक इसका एक्स ए है, एक वाई जीरो है, वाई ये इसका रेक्टेंगल आ गया सर हमारा। ये आप कह सकते हैं लेंथ ए है और विड्थ बी है, ठीक है सर। मेनली एक्स जो एक्स दिस ये आ गया। नाउ हमें सर ये फाइंड करना है, आप कह सकते हैं सर हमें एक लूप में फाइंड करना है ई डॉट। इससे अच्छा हमें पता है कि हम यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा तो लाइन इंटीग्रल तो भाई देखो चार बार निकालना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल, क्योंकि यहां पर क्या है, चार कर्व है, चार लाइन है, कर्व वन, कर्व टू, कर्व थ्री, कर्व फोर, चारों कर्व के लिए निकालना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता हूँ तो फिर एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सरफेस एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सरफेस एलिमेंट विल बी dx dy, ये क्या। चलिए फिलहाल हम इसको डेल क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, आई जे के, ठीक है। दिस विल बी डो एक्स डो वाई डो जेड, ये आ जाएगा वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो हमारा कर्ल निकल के आ जाएगा डेल क्रॉस ए, ये आ गया। इसको वाई से करेंगे बचेगा एक्स, इसको जेड से करेंगे बचेगा एक्स माइनस जे, इसको एक्स से करेंगे वाई, वाई के आप देख सकते हैं बच ही नहीं रहा है ये जेड। आप कह सकते हैं सर डेल क्रॉस ए जो है इसका जीरो आ रहा है, ठीक है। अब डेल क्रॉस ए जीरो आ गया, डेल क्रॉस ए हमारा यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो इस कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल भी इसका जीरो। लाइन इंटीग्रल भी इसका ठीक है एवरीवन, व्हाट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे एवरीवन, कुछ मैट्रिसेस के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28। प्लीज है वालों बताइए क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए फोर थ्री ए माइनस टू आई विल बी। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है उसकी एक इक्वेशन की। ठीक है, संदेश यादव कह रहे हैं ए आ रहा है, रविंद्र कह रहे हैं ए आ रहा है, और व्हाट एल्स, एनीबॉडी एल्स। शिल्पा पात्रा ए, एनीबॉडी एल्स बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है एवरीवन, जितने भी लाइव एंड रिकॉर्डेड देख रहे हैं। देखेंगे सर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है यार ये। तो आप देखिए सर आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है इसकी, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी प्लीज एवा लोग, चलिए इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, मजे से करेंगे आराम से इस क्वेश्चन को। ये आ गया भाई, इसको ले गए अपन पेज पे, ठीक है। इसकी रोशनी पसंद नहीं है हमें तो हमने काला जादू कर दिया, ये आ गया। अब मित्रों क्या करना है अपने को यार, इसको वैल्यू निकालनी है तो ठीक है ना। ये आ रहा है कैसा कैसा, ये कैसा मैट्रिक्स है सर, ये हमारा अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया है मैंने, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स के बारे में ये बताया है कि कभी भी उसकी आइगन वैल्यूज नहीं फाइंड करते हैं। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स के जो लैम्डाज होते हैं या आइगन वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं,
उसके डायगनल एलिमेंट्स ही उसके लैम्डाज होते हैं, तो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स या डायगनल मैट्रिक्स का निकालने का जरूरत ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लैम्डाज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 2, 3, 3 आ जाएंगे जी। अब बताना है आइगन वैल्यूज ऑफ कोई बी मैट्रिक्स ले लो, लेट बी मैट्रिक्स बी A4+3A-2I। अब इस बी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालने। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू CHT कि जो मैट्रिक्स इक्वेशन फॉलो करता है वही लैम्डा इक्वेशन फॉलो करता है। ठीक है, जो मैट्रिक्स इक्वेशन फॉलो करता है वही लैम्डाज इक्वेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये 3x3 मैट्रिक्स था ए हमारा, तो बी भी 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप कहेंगे λ1 of B विल बी λ1 की पावर 4, 3λ1 - 2i। देखो आई क्या होता है, आई होता है सर ये 1 1 1 0। इसके इसके लैम्डास क्या होते हैं सर, इसके लैम्डास तो 1 1 1 ही होते हैं। क्या आ जाएगा, 1 की पावर 4, 1 के लिए कर लेते हैं पहले, +3 1, ठीक है, 1 × 3 - 2, 2 आ गया यार। नाउ ऐसे ही λ2 के लिए करेंगे, λ2 of B, 2 के लिए करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 +3 × 2 - 2, 20। ऐसे ही λ3 के लिए कर लेंगे, क्या दे रखा है, 3 के लिए 3 की पावर 4 +3 × 3 - 2, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 +9 - 2, 88। क्या बी के लैम्डास क्या आ गए सर, बी के लैम्डास आ गए हमारे 220, 88। आई कैन सी संदेश, रविंद्र, शिल्पा, नामिका, रजनीश, सपूर्णा, विशाल, गौरी शंकर तिवारी, वेरी गुड एवरीवन, सबका ए आ रहा है, वेरी गुड एवरीवन, कीप इट अप। ऑप्शन ए इज द, ठीक है, डन। कुछ PYQs देखेंगे, ठीक है, कुछ PYQs देखने से पहले यार जरा एक बार यहाँ पर देख लेंगे, जिन लोगों को जैम 2025 का स्केड्यूल नहीं पता है, ठीक है, ये मैंने एक डॉक बना रखा है, इसमें सारा स्केड्यूल मैं डाल देता हूँ। मेरी क्लासेस का जो स्केड्यूल है वो कुछ इस तरीके से चलने वाला है, जैसे जनवरी में हमने ये किया था, फरवरी में ये किया था, मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू किया था, अगला कोर्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, ठीक है, डेली 5 PM पर शाम को क्लास हो रही है, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बार सिलेबस होने के बाद क्या होगा सर, एक बार सिलेबस होने के बाद फिर से हम डिटेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिन लोगों का कोई कोर्स रह गया, मान लो किसी का थर्मोडायनेमिक्स रह गया, किसी का सेमेस्टर एग्जाम आ गया, किसी के भाई की शादी आ गई, कोई बात नहीं, डिटेल क्लासेस फिर से चलेंगी। जिन्होंने एक बार डिटेल क्लासेस कर ली है उनके लिए क्या सर, अगस्त से नवंबर रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, नवंबर और जनवरी में PYQ और मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक है, यानी कि एक साल में मेरे साथ आप 2 बार डिटेल कोर्स, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस, 2 बार PYQ कोर्स, वीकली संडे टेस्ट, एवरी संडे टेस्ट होता है 10 PM पर, आप अटेंड कर सकते हैं, फुल मेगा मॉक टेस्ट और इन सभी के प्रिपरेशन, सभी एग्जाम के PYQ, बोले तो प्रिपरेशन का कंप्लीट पैकेज आपको मेरी तरफ से देखने को मिल रहा होगा। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, दे कैन बिगिन एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज अनअकैडमी पे अभी बहुत ही अच्छा आरंभ इवेंट हुआ था, ठीक है, एक मेगा इवेंट हुआ था जिसमें प्राइजेस बहुत कम कर दिए गए हैं, बहुत अफोर्डेबल कर दिए गए हैं, तो मात्र 8,000 रुपीज में आपको अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, और ये सब मैंने जो बताया आपको अभी, ठीक है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिटेल रिविजन, प्रैक्टिस, PYQ, मॉक टेस्ट, सब कुछ, इतना कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, इतनी क्लासेस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगी, तो आप अपने जूनियर्स, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। ठीक है, जो लोग 2 साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो बिगिन, बहुत अफोर्डेबल है, आई थिंक 4 रुपये या 5 रुपये पर क्लास भी नहीं पड़ता है, इतना ज्यादा सस्ता है कि आप समझ लीजिए 4 रुपये पर क्लास भी नहीं पड़ेगा, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो।
ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं दे कैन क्विकली बिगिन विद दिस। नया बैच जो है 13th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड ड्रॉपर, चारों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 13 से। आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक्स से स्टार्ट होगा और बिल्कुल एडवांस तक, जैम लेवल तक चल रहा होगा। ठीक है, तो लोग अटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दीज वर द टॉपर्स, बम्पर सिलेक्शन रह रहे हैं हर साल। पिछले 4 साल से हमारे से ज्यादा किसी ने भी सिलेक्शन नहीं दिए। आप जाके IITs में बात कर सकते हैं, ठीक है, खुद टॉपर के इंटरव्यूज देख सकते हैं। टॉपर के इंटरव्यूज बहुत सारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कितने IITs एंड NITs के स्टूडेंट हर साल निकलते हैं। आप देख सकते हैं टेस्ट के रिजल्ट हैं, IIT जैम के रिजल्ट हैं, बम्पर सिलेक्शन रहे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एवरीवन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, लेट अस सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे क्या आएगा। लेट अस सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आएगा बताइए। अभी पीछे शायद 2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी मैं करवाऊंगा अभी, बट फिलहाल चलिए पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन का देख करिए, ट्राई करिए। सभी के पास 2 मिनट हैं, क्या आएगा इसका सोल्यूशन। एवरीबॉडी प्लीज फाइंड आउट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए एवरीवन क्या आ रहा है। होप इनफ टाइम इज गिवन, आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ये रखा है आपको, सॉल्व आप इसको एग्जैक्ट इक्वेशन से कर सकते हैं, एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आपका एम क्या आ जाएगा, और आपका एन क्या आ जाएगा विद माइनस साइन। देखो माइनस साइन आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, माइनस साइन को अगर आप अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन को मैं अंदर ले गया। अब एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है सर, अगर जो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है उसकी कंडीशन ये होती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई शुड बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y के साथ क्या आ रहा है इसका पार्शियल डेरिवेटिव, n का क्या आ रहा है x के साथ यार, तो आप कह सकते हैं सर dm इक्वल आ रहा है। नाउ ये हमारा एग्जैक्ट आ गया, एम डी एक्स आ जाएगा
इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, कीपिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट बिकॉज पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन था वो, ये पार्शियल इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये आ गया। सिमिलरली एन को कर देंगे, सिमिलरली एन को भी कर देंगे इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा एन को वाई के साथ, ठीक है, साइन वाई का इंटीग्रेशन कॉस वाई, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर एवरीवन, फाइनल आंसर क्या आता है, आपको बताया सर एक इंटीग्रेशन कर दिया दोनों का, फाइनल आंसर विल बी कॉमन, कॉमन टर्म ओनली वंस, कॉमन को आपने वंस लिखना है, बाकी रेस्ट एज इट इज, जो भी आ रहा इनमें से कॉमन टर्म क्या आ रहा है सर, एक ये कॉमन टर्म आ रहा है, एक ये कॉमन टर्म आ रहा है दोनों में, इसको आप एक एक बार लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई फोर, बाकी एज इट इज जो भी आ रहा है, एक्स की पावर 5/5 और इधर इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया। अब ये कंडीशन भी दे रखी है कि गिवन वाई वन इज जीरो, वाई वन इज जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू वन वाई इज जीरो, ये दे रखा है। पुटिंग अप द वैल्यू क्या आ जाएगा सर, माइनस वन इंटू जीरो प्लस जीरो प्लस वन अपॉन फाइव एंड कॉस जीरो, की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 माइनस वन विच इज माइनस, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, पुटिंग अप सी की वैल्यू ये आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आ गया। प्लस कॉस वाई आ रहा है क्या, साइन का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस वाई, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव था वो, ठीक है ना, तो ये कॉस वाई आएगा, ठीक है, प्लस कॉस वाई, प्लस कॉस वाई आना चाहिए यहाँ पे, प्लस वाई और यहाँ पर ये प्लस वन होना चाहिए, ये 6/5 आएगा, ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे, प्लस 6/5, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी था ना, साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ठीक है सर, इस तरीके से आप एग्जैक्ट इक्वेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एवरीबॉडी, प्लीज हैव अ लुक का क्या आंसर आना चाहिए, ट्राई करेंगे, 2 मिनट है आपके पास क्वेश्चन को ट्राई करने के, प्लीज हैव अ लुक एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जितने भी लाइव देख रहे हैं भाई, लाइव एंड रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करेंगे, please mark your attendance by liking the video everyone।
ठीक है भाई, आई होप आपने कर लिया होगा एवरीवन ये क्वेश्चन. आर वी डन विद दिस क्वेश्चन? यार तो आप देखो, अगर मैं करूं इसको कंपेयर करूं, में से कंपेयर करूं, क्या होता है सर ये? डीएम अपॉन डी वाई 0 प्लस लॉग का क्या होता है? 1 अपॉन xy. पार्शियल डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो आप एक्स को कांस्टेंट की तरह करोगे, तो एक्स वाई का बाहर क्या आ जाएगा सर? एक्स बाहर आ जाएगा, है ना? एक्स मान लीजिए ये होता एल एन के वाई, इसका इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता क्या आता? 1 अपॉन ky इंटू के, ऐसे. तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव जब करना है तो इसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना है एक्स को. 1 अपॉन y आ रहा है. अब आप अगर डी एन बाई डी एक्स करते तो क्या आता? 0 प्लस ये, तो सेम आ रहा है सर. डी एम बाई डी वाई इज इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स. इसका मतलब क्या है सर? ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखेंगे भाई एवरीवन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही, या आप एम को एक्स से इंटीग्रेट कर दो, एन से वाई से इंटीग्रेट कर दो, देखो क्या आ रहा है भाई. एम को इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा भाई? ठीक है, अब एल एन एक्स वाई को इंटीग्रेट करना है सर. एल एन एक्स वाई को इंटीग्रेट कैसे करते हैं देखो जरा, देखेंगे. डी एक्स का इंटीग्रेशन, देखो वाई इज अ कॉन्स्टेंट है, ठीक है? तो आप देखो आईलेट वाले से करते हैं. किससे करते हैं सर? आईलेट वाले फॉर्मूले से, ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन बना के, तो एल एन एक्स वाई एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एल एन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन xy, ठीक है? किससे इंटीग्रेशन कर रहे हैं? एक्स से, तो ये एक्स से ही डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू एक्स का एक्स किया, ठीक है ना? वाई से वाई किया, एक्स से एक्स किया, क्या आ जाएगा सर? एल एन एक्स वाई एक्स माइनस किया. ये आ गया इसका, ठीक है? नाउ एन में क्या था? वन का इंटीग्रेशन वाई एक्स को बाहर एज इट इज, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? एल एन वाई. फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा. दोनों में से कॉमन टर्म कोई भी नहीं आ रहा है. एल एन एक्स वाई वाई प्लस एक्स एल एन, ये आंसर आ इक्वल्स टू सी. कंडीशन दे रखी है वाई 1 पर 1, एल एन 1 कॉमा 1 प्लस 1 प्लस 1 एल एन 1 टू सी. log 1 0, log 1 0 की वैल्यू आ गई 1. कह सकते हो जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये. ठीक है, लेट मी नो अगर आपका भी यही आ रहा है. एवरीवन प्लीज लेट मी नो, वी आर गेटिंग दिस आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी शुड गेट.
वाई क्यूज करते हैं। कल हमने जैम 20 के कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, देखेंगे एवरीवन जैम 23 के और क्वेश्चंस देखेंगे हम। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, आईआईटी जैम 2023 का क्वेश्चन है ये। आपको दिया हुआ है फॉर अ गिवन वेक्टर द सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर विद द सेंटर एट द बेसिस, क्या आ जाना चाहिए इसका आंसर। इसके चार ऑप्शन ये दे रखे हैं, 2πr² / 3 -πr² और दिस। प्लीज सॉल्व करिए, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट है आपके पास, प्लीज ट्राई करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या, एक बार मैं चेक करूं क्या। चलिए मैं अभी बाद में चेक करता हूँ, आई कैन सी संपूर्णा को डाउट है, इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एवरीवन क्या आएगा, हाँ जी आप सही कह रही हैं संपूर्णा, मैंने चेक किया हुआ, एक्स लॉग एक्स वाई आएगा लास्ट वाले क्वेश्चन में, एक्स लॉग एक्स वाई आएगा, उसको मैं अभी करेक्ट करवाता हूँ, बट पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए। फॉर अ गिवन वेक्टर द सरफेस इंटीग्रल ओवर द हेमिस्फीयर सरफेस इज गिवन बाय दिस, ठीक है, इसको आप कौन सी थ्योरम से कर सकते हैं जल्दी बताइए कमेंट में। एक पल होता है हमारा डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस इक्वल्स टू एफ डॉट डी एल, क्या बोलते हैं इस थ्योरम को, यहां पर सर्कल क्या हो जाएगा, ये वाला सर्कल हो जाएगा, हेमिस्फीयर वो है तो सर्कल ये वाला हो जाएगा, कि सरफेस क्या था हमारा हेमिस्फीयरिकल था, ठीक है भाई। चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा, देखेंगे इसके सोल्यूशन को एवरीबॉडी। जैसे मैंने कहा कि इसके सरफेस को कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल को कर सकते हैं, ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सर्कल हो जाएगा, और सर्कल का डीएल एलिमेंट क्या होता है हमारा आर डी थीटा, ठीक है, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाता है आर डी, बाकी आप सर्कल का है ये, बाकी कहने को आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो इन जनरल हो जाएगा वो ये हो जाएगा सर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब आप सर्कल की बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, जब आप एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं और सर्कल की बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं सर जेड जेड एक्सिस तो जीरो हो गया, या कह दीजिए डी जेड जीरो हो जाएगा, जेड जीरो और डी जेड जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो देखो कैसे होगा वालों, यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना था, डीएल हमारा ये हो गया, एफ डॉट डीएल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जैसे मैंने कहा कि यार ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है तो जेड जीरो और डी जेड जीरो, तो जेड जहां जहां जीरो आ रहा है वहां मैंने पुट कर दिया, जेड और डी जेड को जीरो पुट कर दिया, तो बचा क्या ये मेरा एफ डॉट डी एल, क्या बच गया, केवल वाई डी एक्स बच गया। अब ये भी सर्कुलर में है तो इसको सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे सर, इसको भी हम सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे, कि भाई सर्कल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, जहां पर y इज r sin थीटा, x इज r cos थीटा, dx इज माइनस r थीटा sin थीटा, तो y की वैल्यू डाल दी, dx की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू डाल दी ये, ठीक है, और dx की वैल्यू हमने डाल दी ये, पुटिंग अप द वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई d थीटा में किया और आंसर आ गया मेरे,
एक बार देखिए बोर्ड पे, आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है पूरा का पूरा सोल्यूशन। एवरीबॉडी क्या किया है हमने, ठीक है, सिंपल है। एवरीवन नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, स्टोक्स थ्योरम करा, डीएल एफ डॉट डीएल ये आ गया, z0 z0, है ना। क्योंकि अगर हमें देखो हेमिस्फीयर दे रखा है, अगर हम इसका सरफेस पे करते तो ये सरफेस एलिमेंट तो इसका थ्री डायमेंशन में होता, लेकिन अगर हम ये लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये सी जो है, ये जो सी कर्व है ये एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, जेड जीरो और नो चेंज इन डी जेड जीरो। ठीक ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एवरीवन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, डन विद ऑल दिस क्वेश्चन। ये कर लीजिए जैम 23 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आज ही क्लास में आपको करवाया है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या कहता है, गौरी शंकर तिवारी कह रहे हैं सर थीटा तो 0 से π/2 होगा, नहीं सर्कल की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए ये हेमिस्फीयर है, वो सही है आपकी बात कि वो वाला थीटा भी, वहां पर हमें फाई लिखना चाहिए था, ठीक है, आपकी बात सही है कि ये वाला थीटा तो हमारा 0 से π/2 होगा, लेकिन फिलहाल हम इस वाले कर्व की बात कर, इस वाले कर्व की बात कर रहे हैं। इस वाले कर्व में अगर हम बात करें क्या आ जाएगा, आई थिंक एड आ गया है बीच में, एक सेकेंड। एक सेकेंड, जब मैं इस वाले सर्कल की बात कर रहा हूं तो इट इज 0 से 2, पूरा सर्कल है ना। जब मैं इस वाले की बात करता तो ये 90 हो, फिलहाल हम ये वाले कर्व की बात कर रहे हैं। सही, फिर बताइए सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या आना चाहिए आंसर, जैम 2023 का क्वेश्चन है, बताइए क्या आना चाहिए। सही क्या होना चाहिए आंसर, कैसे करेंगे सर, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज गिवन बाय दिस, देन द वैल्यू ऑफ मॉड बी इज, आपको एक सरफेस दे रखा है इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल आपको निकालना है, यानी कि ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे जिस वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, है ना। आपको देखो यूनिट वेक्टर नॉर्मल बताना है, तो नॉर्मल वेक्टर तो ये होता है सर ग्रेडियंट फाइ, ग्रेड फाइ निकाल कर फिर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। आई कैन सी रविंद्र, गौरी शंकर, शिल्पा, विशाल, 4x9 आ रहा है सबका आंसर, 4x9 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 4x9, ओके गॉट द पॉइंट। देखेंगे एक बार इसका सोल्यूशन, देख लीजिए वैसे ही होना चाहिए, प्लीज हैव अ लुक ऑन द बोर्ड, पाई दे रखा है हमें ये,
हो गया इसे लगा, 1 सेकंड रुकेंगे। तो आप देखेंगे सर नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे ग्रेडियंट करते हैं, तो इसका मैंने ग्रेडियंट कर दिया, ठीक है। ये हमें 5 दे रखा है, इसका ग्रेडियंट करेंगे एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। एक्स के साथ किया ये आ गया, वाई के साथ किया ये आ गया, जेड के साथ किया ये आ गया, ठीक है। अब द वैल्यू क्या आ जाएगा सर, सबकी इसमें वैल्यू पुट कर दी एक्स वाई जेड की पॉइंट पर, 1, 2, 1 वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास अब ये नॉर्मल वेक्टर जो आ रहा है, नॉर्मल वेक्टर जो आ रहा था हमारा, ये इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, मॉड निकाल दिया, यूनिट वेक्टर निकाल, यूनिट वेक्टर निकाल के 4/9 ये आ रहा है हमारा यूनिट वेक्टर। और ये तरीके से आप इसको कॉल, ठीक है जी। और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे सर ये क्वेश्चन आईआईटी जैम 2022 का क्वेश्चन है, क्या आना चाहिए इसका आंसर। सर थोड़ा हार्ड पढ़ाओ बेटा, पीवाईक्यू कर रहे हैं पहले, तो अब पीवाईक्यू इजी आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तो क्या किया जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे, क्लास में इतनी बार करवा रखा है कि बच्चों को रट जाते हैं। क्या आ रहा है इसका आंसर, द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई ओवर द एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस 2 इन द एक्स वाई प्लेन इज। देखो सर आपको एक डिस्क दे रखी है एक्स वाई प्लेन में, ये आ गया हमारा एक्स वाई प्लेन, ये आ गई हमारी डिस्क का एक हमने सरफेस एलिमेंट। देखो ए जैसा देश वैसा बेस होना चाहिए, ठीक है, जैसा देश वैसा बेस। अगर मैं प्लेन पोलर में इसको करूंगा तो आसानी से कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा सर, एक्स विल बी आर कॉस थीटा प्लेन पोलर में, वाई विल बी आर साइन थीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा एरिया इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यार, आ जाएगा आर क्यूब यार डी थीटा इंटीग्रेशन, 0 से 2 था रेडियस, ये 0 से 2 ना आ जाएगा। आर क्यूब विल बी, आर क्यूब का इंटीग्रेशन करना है तो आर 4 विल बी 4 0 से 2 एंड ये 0 से 2 ना आ जाएगा सर, पावर 4/4 8 पाइज़ दा डन हो गई सर, बात समझ में आ गई हमारे तरीके से आप इस क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे यार एवरीवन। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं, मैं वो देख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कशन ना किया हो ऐसा कोई। ये देखेंगे सर, आई थिंक ये भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बताइए क्या आना चाहिए। जैम 20 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए, बताइए 2 मिनट है आपके पास, क्या आना चाहिए इसका आंसर, प्लीज ट्राई करिए एवरीवन।
सर आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट जेई, पूछ लीजिए भाई। अगर जेई के बारे में डाउट है तो जेई के बारे में पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर पता होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी लोग ट्राई करेंगे सर, 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। सर अगर आफ्टर 12th प्रेशर कम होता है अगर हम प्रिपरेशन करें तो, देखो जेई की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, आफ्टर 12th प्रेशर कम तो नहीं होता यार, ठीक है, टाइम ज्यादा होता है बस, ऐसा कह सकते हैं। प्रेशर की बात तो नहीं कर सकते, ड्रॉप ईयर में प्रेशर रहता है थोड़ा बहुत, बट अकॉर्डिंगली ये है कि यार बोर्ड्स के साथ साथ अगर आप ठीक ठाक भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो 11th 12th में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जेई वगैरह। बाकी डेडिकेटेड होके प्रिपरेशन करना पड़ता है, अगर 1 साल में नहीं होता है तो आप फिर ड्रॉप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। प्रेशर ना प्रेशर से तो इतना सोचना ही नहीं है, बस इतना सोचना होता है यार कि प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, अच्छे से प्रिपेयर करिए, मेहनत करिए, अपना 10-12 घंटा जितना पढ़ सकते हैं रेगुलर पढ़िए, 8 से 10 घंटा, और मेहनत करके आप जो है कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, नहीं तो अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है ना। एक बात है, बस इतनी बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, दो बातें ध्यान में रखने वाली बात है यार। कोई भी चीज़ है, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके कोई भी आपको एक डिसीजन लेना है, मान लीजिए कोई डिसीजन है या कुछ वर्क करना है आपको, या तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो वाई वरी। अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर सकते हैं, तो वाई वरी, क्यों चिंता करनी है। और उस प्रॉब्लम के बारे में अगर कुछ नहीं कर सकते तब भी क्यों चिंता करनी है। अगर आप उसके बारे में कर सकते हैं वाई वरी, तो आप डू द वर्क, ठीक है ना। और अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या ही मुद्दे की बात यह है कि जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या वर्क आए या कोई डिसीजन आए, तो आप बिना सोचे समझे अपनी जितनी सोच समझ है उसके हिसाब से डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। बाकी जो होगा रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, जैसा भी होगा बाद में आगे देखी जाती है यार, चिंता करने से कुछ नहीं। ठीक है, योर डिसीजन, गिव योर बेस्ट और बढ़िया ही। चलिए इसी बात पे जरा सोल्यूशन करते हैं इसका, एवरीवन क्या आ जाएगा। देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये आ जाएगी y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0, एंड का हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देंगे सर, m² + 5m + 6 इज इक्वल्स टू 0, m = -5 + -b² - 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। -3 -2 आ गया,
सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सर? सी वन ई की पावर -3x, ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन एवरीबॉडी। ठीक है, अब इसमें कंडीशन डालेंगे सर, वाई 0 पर 2 है, सी वन प्लस सी टू इज, डिफ्रेंशिएट करके कंडीशन डालेंगे, क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन? इट इज 0 पर 0, कंडीशन इज 0 पर 0। सेटिंग अप द वैल्यू हियर -2C2/3, सी टू क्या आ गया हमारा 6 आ गया, तो -4N6 आ रहा है, तो आपका कह सकते हैं क्या आ गया हमारा फंक्शन, ठीक है ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। एंड वाई एक्स 1 पे निकालना है हमें, हमें एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू निकालना है, तो इट इज 4 पावर -3 की पावर माइनस, कैलकुलेट करेंगे क्या आ रहा है कैलकुलेटर से, ठीक है एवरीबॉडी यही आ रहा है सबका आंसर, प्लीज लेट मी नो, कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है एवरीबॉडी, चलिए बहुत बढ़िया बेहतरीन, आज के लिए इतना ही करते हैं मित्रों यार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू टाटा बाय बाय एवरीवन। और कल भी इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम रख देंगे तो उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ पीवाईक्यूज और, ठीक है एवरीबॉडी। बाकी एज यू नो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम, यू कैन ज्वाइन, ठीक है विद अन अकेडमी राइट नाउ। आप ज्वाइन करने के लिए एक मेगा ऑफर कोड होता है, वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ACE10 करके कोड है, कोई भी आप कोड लगा सकते हैं वो भी आपको सही लगे, कोड से आपको मैक्सिमम ऑफर मिल जाएगा मेगा, ठीक है एवरीवन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिन, तब तक टाटा बाय बाय। ये था हमारा JAM 25। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू टाटा बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। एवरीवन जितने भी बच्चे लाइव एंड रिकॉर्डेड देख रहे थे, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपना अटेंडेंस मार्क कर देना, एक छोटा सा थैंक यू लिख दोगे तो मजा ही आ जाएगा, आप दिन बना दोगे मेरा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास।